तरीके से जया बच्चन को हमेशा से ही रूट कहा गया है और जया बच्चन को लेकर न्यूज़ चैनल्स ने फैंस के बीच में एक अलग ही इमेज क्रिएट कर दी है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बाद कभी भी जया बच्चन के हस्बैंड यानी कि अमिताभ बच्चन ने एक शब्द नहीं बोला। लेकिन इस बार अमिताभ बच्चन ने एक नए और ज़बरदस्त अंदाज से मीडिया को और न्यूज़ चैनल्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आखिरकार अमिताभ बच्चन का ये कौन सा नया अंदाज है, चलिए पूरी अपडेट बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चैनल पर। आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन जो कि हमेशा ही अपने बेबाक बयानों के कारण छाए रहते हैं, हमेशा ही हर मुद्दों पर ट्वीट्स भी उनका आते ही रहता है, लेकिन कभी भी अमिताभ बच्चन जया बच्चन की बेइज्जतियों पर कभी भी कोई भी स्टेटमेंट या कमेंट्स नहीं जारी करते नजर आए हैं। लेकिन रिसेंटली ही अमिताभ बच्चन का एक नया शो आ रहा है जो कि KBC का सीज़न 14 है और KBC के सीज़न 14 के इस नए प्रोमो ने आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन के फैंस को जगा दिया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस पूरे के पूरे प्रोमो में साफ तौर पर दिखाया गया है कि एक तरफ अमिताभ बच्चन बैठे हैं, दूसरी तरफ एक लेडी बैठी है, लेडी कंटेस्टेंट, जहाँ कि अमिताभ बच्चन 2000 के नोट में चीप वाली बात कहते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आपको याद होगा कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस दौरान काफ़ी न्यूज़ चैनल्स में ये खबरें आ रही थी कि जो 2000 का नया नोट होगा उसमें चिप लगा होगा और उसके कारण किसी भी तरीके की चोरी या किसी भी तरीके का लूटपाट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो सभी चीज़ें रिकॉर्ड होगी। लेकिन आपको बता दूं कि इन सभी चीज़ों को लेकर जब अमिताभ बच्चन ने पूछा कि आखिरकार आपने 2000 और 5 रुपए के नोट में से 2000 का नोट क्यों चूज़ किया, तो उस लेडी ने कहा कि मुझे न्यूज़ चैनल से पता चला। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर अमिताभ बच्चन एक बहुत ही खूबसूरत सा स्टेटमेंट कहते हैं, खूबसूरत सा वर्ड कहते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ पर अमिताभ बच्चन कहते हैं कि ज्ञान जहाँ से भी मिले बटोर लीजिए, लेकिन पहले थोड़ा टटोल लीजिए। यानी कि कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन का इनडायरेक्टली कहना है कि जो भी चीज़ें हमें सुनने को और देखने को मिलती है, हमें सुनना भी चाहिए, देखना भी चाहिए, लेकिन उस पर भरोसा करने से पहले हमें उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए। यानी कि जया बच्चन को लेकर जितनी भी मीम्स बने हैं, न्यूज़ चैनल्स ने बैक टू बैक उनके वीडियोज़ शेयर किए हैं, तो उन सभी चीज़ों के पीछे के रीज़न को ढूंढना चाहिए और उसके बाद किसी इंसान को गलत ठहराना चाहिए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरी अपडेट को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।